वेलकम टू द शमास रेसिपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाश रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने बर्फ़ी की रेसिपी। ये बर्फ़ी खाने में बिल्कुल कलाकंद जैसी लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजीली चीज़ों से बन जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे नवरात्रों के व्रत में बना के आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाना बर्फ़ी। साबूदाना बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 185 ग्राम के करीब साबूदाने ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के साबूदाने हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, और साथ ही ये 750 ml के करीब फुल फैट क्रीम दूध है। अगर आप दूध इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो आप एक कप मलाई और एक कप दूध भी ले सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके एक पतीला और उसमें डालेंगे दूध, और दूध को आधे से भी कम रहने देना है। कम से कम हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है और इसे कम करना है, मतलब इसे एक मावा वाले फॉर्म में लेके आना है। प्रॉपर नहीं, लेकिन कुछ हद तक। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम साबूदाने को देखते हैं क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक गीला टॉवल ले लिया है, उसके ऊपर साबूदाने डाल के इसे क्लीन करना होता है, क्योंकि साबूदाने में कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो आसानी से निकल जाएगी। तो इसे इस तरीके से पोंछें, क्योंकि सूखे साबूदाने में भी कुछ ना कुछ गंध सा निकल ही आता है, तो इसे इस तरीके से पोंछना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ऐसे ऐसे करके क्लीन कर लें। तो देखिए, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से क्लीन कर लिया है हमने। अब चलते हैं इसे रोस्ट करने की तरफ। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इधर दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसे दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो दूध को हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे इन्हें। हल्की आंच पर कम से कम 10 मिनट इसे ड्राई रोस्ट करना है हमें अच्छे से, ना जब हाथ में ऐसे लें हम तो ये ऐसे फूट जाए, या फिर ओखली में डाल के देखें तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाए। इस फॉर्म में लेके आना है इसे हमें। तो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं इसे, और उधर दूसरी तरफ दूध का बिल्कुल ख्याल रखेंगे हम। तो ये हमारे जो साबूदाना है वो रोस्ट हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे ठंडा करके मिक्सर जार में डाल के पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे ऐसे पीसना है। तो इसे ठंडा कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, दूध भी हमारा रिड्यूस हो चुका है, लगभग थोड़ा सा रह गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप के करीब चीनी। आप चीनी का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और ऐसे ही पकाएंगे। तो ये दूध हो चुका है, दूध हमें लगभग ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसे हटा देंगे। और हमने ये साबूदाना पीस लिया है, बिल्कुल देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितना महीन पिसा है ये, कितना बढ़िया लग रहा है। आपको भी ऐसे पीस लेना है। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप ये है, ये हमने ले लिया है कढ़ाई। इसके अंदर डालेंगे हम 3 टेबल स्पून के करीब देसी घी। जी हाँ, देसी घी व्रत में तो ले ही सकते हैं, इस मिठाई में भी पड़ना है देसी घी। और इसमें हम डालेंगे ये साबूदाने का आटा। हल्का सा रोस्ट करेंगे, गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको से रोस्ट करेंगे। हालांकि रोस्ट है हमारे साबूदाने, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट हम और करेंगे। तो इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से भुन गया है और गैस का फ्लेम जैसे कि कम है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप डालिए, मैं इसे स्किप कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को। अब हम डालेंगे दूध और चीनी का बना हुआ, तो गाढ़ा गाढ़ा दूध जो मावा होते हैं, थोड़ा संभाल कर डालिएगा। और इसे कंटिन्यू चलाएं, जिसका चलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल गैस का जो वो है और फ्लेम स्लो रखें। चलाना ज़रूरी है, ये लगभग जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो
देखिए ये जमने की फॉर्म में आ गया है, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम इसे एक थाली में जमाएंगे। तो ये देखिए इसे हम अच्छे से फैला देंगे। ये मैंने जो प्लेट है पहले ग्रीस कर ली थी अच्छे से, बिल्कुल नरम और मुलायम बर्फ़ी बनके तैयार होगी, तो इसे अच्छे से फैला लेते हैं। तो देखिए बर्फ़ी हमने सेट कर दी है अच्छे से, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चांदी की वरक। अगर आपके पास हैं तो लगाई है, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वरक लगा के अब हम मिलेंगे इसमें 2 घंटे बाद आपसे, तो 2 घंटे के लिए हम इसे सेट होने देते हैं, मिलते हैं 2 घंटे बाद। ये हाँ हमारी बर्फ़ी जमकर बिल्कुल रेडी है, अब इसे कट कर लेते हैं हम। तो कुछ कटिंग के निशान मैंने लगा लिए थे, कुछ और कर लेती हूँ। जिस शेप में चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो ये हमारी साबूदाना बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी टेम्पटिंग और कितनी बढ़िया लग रही है। आप भी इसे खाइए, बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।